आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? आधी रात को इस सुनसान जगह पर किसी लड़की का अकेला घूमना खतरे से खाली नहीं है। मुझे खतरों से डर नहीं लगता। अच्छा, बड़ी निडर हैं आप। वैसे आप रहती कहाँ हैं? प्लॉट नंबर 40, बस यहीं से थोड़ी दूर। और क्या आप अकेली रहती हैं? जी नहीं, मेरे साथ कुछ और लोग भी रहते हैं। क्या आप किसी वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रहती हैं? यूं ही समझ लीजिए। क्या हम चलें? प्लॉट नंबर 40। लेकिन अब मैं वहां ज्यादा दिन नहीं रह सकती। मैं वहां 11 दिन रह चुकी हूँ और अब सिर्फ 2 या 3 दिन और रहूंगी। सिर्फ 2 या 3 दिन और? हाँ। अरे, इस गाड़ी को क्या हो गया? थैंक गॉड। ये कहाँ चली गई? अचानक कहाँ गायब हो गई? दरवाजा खुलने की आवाज भी नहीं है। तो वही लड़की है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो अच्छी मिली थी, अचानक इसे क्या हो गया? ये मर तो नहीं गई? नहीं, नहीं। हाँ, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन आज नहीं, आज से 11 दिन पहले। तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ। अब तुमने मेरा पीछा किया है तो तुम्हें मेरा पीछा कभी तक करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर को जाना। अरे, मेरी मदद करो भाई। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। कोई बात नहीं, रात की नौकरी है तो क्या हुआ? आप बताइए कहाँ जाना है, मैं कल रात से काम शुरू कर दूंगा। तुलसीवाड़ी मुर्दा घर, आपको मुर्दों की रखवाली करनी है। मुर्दों की रखवाली करनी? देखिए, आप कुछ भी, कोई और काम दिलवा दीजिए। सोच लीजिए रमेश भाई, आप पहले से ही माफ कीजिए, आप ठीक से चल कर नहीं सकते। जो नौकरी मिल रही है ले लीजिए। वे मुर्दे आखिर मुर्दे होते हैं, उनसे क्या डरना। ये ठीक कह रहे रमेश। और फिर पगार भी अच्छी है, 3,000 रुपया महीना। 3,000 रुपया
कर लो रमेश ये नौकरी। भाई साहब आप पक्की कर लीजिए ये नौकरी। नहीं नहीं मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां। नहीं करोगे तो फिर खाओगे क्या? पिछले 3 महीनों से बेकार पड़े हो। भाई साहब ये चाहेंगे। ठीक, कल रात ठीक 8 बजे वहां पहुंच जाओ। ठीक 8 बजे। यही है मुर्दा घर। अरे वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ, आओ आओ। मेरी ड्यूटी सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक है और तुम्हारी ड्यूटी रात की है। सुबह सुबह कितने बजे आ जाओगे तुम? ठीक 6 बजे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सच बताओ यहां पर दिन में भी काम करने से डर लगता है और रात में तो रात में क्या? अरे तुम्हें इस मुर्दा घर के बारे में कुछ नहीं पता? एक रात रहोगे तो सब पता चल जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूं, ध्यान रखना 15 लाशें हैं। एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। कौन सी? दरवाजे का लॉक थोड़ा जाम हो गया है इसलिए अंदर से खुलता ही नहीं है, इसलिए हमेशा इसमें ये लकड़ी फंसा के रखना। तुम अगर इन लाशों के बीच में कैद नहीं होना चाहते तो इस दरवाजे को कभी बंद नहीं होने देना। अगर कहीं गलती से बंद हो गया तो फिर सुबह 6 बजे ही खुल सकेगा। जब मैं आऊंगा बाहर से खोल दूंगा, लेकिन एक बात बताऊं, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इस दरवाजे को कभी बंद नहीं होने देता। भला यहां इन लाशों के बीच रात भर कौन रह सकता है? अच्छा चलता हूं, उम्मीद है सुबह मुलाकात होगी। याद रहे 15 लाशें। तुम अपने इन साथियों के बारे में जानना चाहते हो? कौन हो तुम? घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह हर रात यहां ड्यूटी किया करता था। हर रात रात को ड्यूटी? लेकिन मुझसे तो किसी ने नहीं बताया कि यहां मुझसे पहले कोई रात को ड्यूटी करता था। किसी ने नहीं कहा? मैं बताता हूँ। मुझे अब छुटकारा मिल गया, इसलिए अभी मेरी जगह पर तुम आए हो। आओ, आओ। मैं लोगों से पहचान कराता हूँ। अमरीश जबलपुर से फिल्मों में हीरो बनने के लिए आया था। 8 साल तक प्रोड्यूसरों के चक्कर काटते रहा, जब बात नहीं बनी तो इसने खुदकुशी कर ली। इधर ये कौन है? यशवंत, यहाँ की जेल का चिल्ला मुजरिमों को फांसी पे लटकाया करता था। आज तक इसने 99 आदमियों को फांसी दी। अब लोग जानना चाहते थे सोलह आदमी कौन होगा। सोलह आदमी कौन था? ये खुद इसने
अपने आप को फांसी लगा ली। ये नारायण है, नारायण, इसका खून हो गया। तलवार से मारा इसको, तलवार से, कैसे ढक्कन की तरह सर खोल डाला, इसका है ना, कैसे ढक्कन की तरह खोल डाला। इधर 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 ये है ना, ये कौन है? ट्रेन के नीचे का कट गया, देख ट्रेन से गिर के मर गया, देख नहीं सुनना मुझे, नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं देखना। अभी तो तुम्हें तुम्हारा बिस्तर देखना बाकी है। मेरा बिस्तर कहाँ? वहाँ उस कमरे में तुम्हारा बिस्तर है। आओ मेरे पीछे पीछे आओ। क्यों? रात भर ड्यूटी करोगे तो उस दिन आराम करना भी चाहोगे ना। ये कमरे में आओ, आओ, आओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं, आओ 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 आओ। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुम्हारी हिफाजत के लिए। बाहर इतने मुर्दे पड़े हैं, मैं जाने कब जरूरत पड़े। इससे काम नहीं बनता तो ये लो, के सारे मुर्दे किसी न किसी हादसे में मरे। सुना है जो हादसे में मरता है उसकी आत्मा दुनिया भर में भटकती रहती है। ठीक, रात 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद? मैं जाता हूं। डरा रहा है मुझको। सेंट्रल जेल से फरार हुए दो खतरनाक मुजरिमों को पकड़ने में पुलिस अब तक सफल नहीं हुई है। इन दोनों को कल सुबह फांसी की सजा दी जाने वाली है। अंतिम सूचना के अनुसार दोनों तुलसीबाड़ी के इलाके में हैं और उनके पास हथियार हैं। पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अगर किसी को उनके बारे में पता चले तो वो ये तो खतरनाक मुजरिम, इनको भी तुलसी। हमारी जान को यहाँ से चलो, यहाँ से भाग चलते, हमारे लिए हर जगह खतरनाक है। मेरी बात क्या नहीं समझ रहे?
की तलाश है, कोई यहां तो नहीं आए? नहीं सर, यहां तो सब मुर्दा ही मुर्दा है साथ। वो कहीं भी नजर आए तो मुझे फोन करना, समझ गए? हाँ हाँ सर। चलो जान छुटी, अब ये लोग हमें दोबारा यहां ढूंढने नहीं आएंगे। रात गुजारने की जगह बुरी नहीं है, पुलिस समझेगी कि बहुत दूर निकल गए और सुबह आराम से निकल। देखो मेरा यकीन मानो, इस जगह में बहुत खतरा है। हम सब खतरों से खेलना हमारा शौक है। मैं हाथ छोड़ता हूँ, रुक जाओ, मुझे जाने दो, तुझे कैसे मुझे जाने दो, तो हमारी टिकट है, तुझे कैसे जाने दे? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? बकवास मत कर, चुप। कमरे की तलाशी लेते हैं, चल 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 चल। बच गए, 12 बज गए, 12 बज गए। क्या मतलब हमारे बजने का? उसने कहा था 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद कुछ होगा। बारह तो बज गया। कोई नहीं बचा सकता। ये किसने लिखा है? इसके अलावा और कौन लिख सकता है? मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं तो तुम दोनों के सामने यहाँ खड़ा हूँ। लगता है ठीक कह रहा है। हो सकता है इसका कोई दूसरा साथी आ चुका हो। सलाम आवाज करेगा तो सचमुच गोली मार दूंगा। इसको छोड़ यार, सारा दिन भागते भागते हम बहुत थक गए, थोड़ी देर आराम करते हैं। विलास, हम दोनों का एक साथ सोना ठीक नहीं होगा, तेरे साथ भी कोई भरोसा नहीं है। तू एक काम कर, तू यही कहीं एक घंटा सो जा, बाद में मैं सो लूंगा। मैं यहाँ नहीं सो सकता। ए, उस कमरे में क्या है? जा उस कमरे में। बिस्तर और टीवी बस, टीवी बिस्तर में मैं जाकर सोता हूँ। चुप, मेरी बात समझो, ये सब लोग किसी ना किसी हादसे में मरे हैं, ये भूतों का बसेरा है। थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। साले
ये वही है जिसने दीवार पर खून से लिखा था। सच कह रहा है। तुम कौन? किसकी आवाज है? ये सच कह रहा है। यहां पर भूत रहते हैं, यहां पे मैं रहता हूं अपने इन साथियों के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। अरे मैं तो पहले से ही मरा, फिर तू मुझे दोबारा कैसे मार सकता? 8 साल तक फिल्मों में कोशिश की, लेकिन मार पाई नहीं। मैं एक अच्छा एक्टर हूं, अभी देखा मरने का कितना प्यारा सीन है। अब यही सीन तू करेगा, लेकिन हकीकत में तो सच मुझ का भूत निकला। कहा था ना मैंने, कहा था ना, अभी मेरी बात का यकीन आया कि नहीं? मौत से बचने के लिए तो मैं जेल से भागा, मगर यहाँ तो हालात और भी बदतर। देखो कुछ भी हो जाए, भूतों को इस कमरे में नहीं आने देना, वरना हमारा भी वो हाल होगा जो तुम्हारे उस साथी का हुआ है। मगर यहाँ से जाने के लिए मार्ग कोई दूसरी जगह तो होगी? नहीं नहीं, बस बाहर का वो दरवाजा है बस। मतलब? अरे मतलब ये कि सुबह होने तक हम इस कमरे में कैद हो गए, समझे ना? अब हमें क्या करना चाहिए? इंतजार, सुबह होने का इंतजार। और क्या मतलब? अरे मतलब वो सुबह की ड्यूटी वाला आएगा, दरवाजा खोलेगा, तभी हम इस कमरे से बाहर जा सकते हैं, समझे ना? और वो भूत भूतों का तो वो कहते हैं कि दिन में भूतों की शक्ति कम हो जाती है। ऐसे क्यों? अरे मुझे क्या पता क्यों? मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमें सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह उनको इस कमरे में नहीं आने देना। चार पांच घंटे और है। कैसे भी करके इनको सुबह तक अंदर नहीं आने देना इनको। उन दोनों को यहीं कहीं होना चाहिए, हमने तो चप्पा चप्पा छान मारा है, न जाने कहाँ छुपे हुए हैं। रात गए, यहाँ पुलिस क्यों आई हुई है? हमें 2 मुजरिमों की तलाश है मैडम, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ क्यों आई हैं? जी मेरे पति यहाँ मुर्दा घर में काम करते हैं। आप इतनी रात को अपने पति से मिलने यहाँ आई हैं? जी। कहिए तो मैं इन दोनों को आपके साथ मुर्दा घर तक भेज दूँ? जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, यहाँ सामने ही तो है। और फिर मुर्दा घर पहुँच ही गए तो मुर्दों से क्या डरना। रमेश कहाँ हो तुम?
आरती, ये तो मेरी बीवी की आवाज है। ये तेरी बीवी की आवाज नहीं है, तू पागल हो गया है। तेरी बीवी इतनी रात गई यहाँ क्या करने आएगी? वो बहुत लोग जरूर हमें चकमा दे रहे हैं। रमेश, अरे मैं मेरी बीवी की आवाज है। अरे मैं अपनी बीवी की आवाज पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? ये क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है? ये भूत लोग हमें चकमा दे रहे हैं। तेरी बीवी की आवाज में हमें बुलाकर दरवाजा खुलवाना चाहते हैं। रमेश, रमेश मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं छुपे हो। अब सामने आ भी जाओ ना। देखो तुम बहुत डर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने चली आई। नहीं, मेरी बीवी की आवाज है। इस वक्त ये यहाँ कर रहे हैं। भगवान हमें बचाओ, भगवान हमें बचाओ। रमेश अब मजाक छोड़ो भी। देखो यहाँ डरने जैसा कुछ है नहीं। सारे मुर्दे अपने अपने जगह पे बेजान पड़े हुए हैं। रमेश अब आ भी जाओ ना। देखो मजाक नहीं करो। देखो तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं जानती हूँ तुम ही हो रमेश, तुम ही हो ना। रमेश मजाक बंद करो, हाथ हटाओ ना। रमेश, रमेश हाथ हट। मेरे आँखों में नहीं हुआ थे। मैं वहां नहीं हूँ। भाग जाओ। कौन है तुम्हारे? तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया आरती? जल्द सवेरा होने वाला है, उससे पहले ही हमें इन दोनों को मारना है। लेकिन कैसे? इनमें से एक को फांसी की सजा होने वाली थी। मैं जल्लाद हूं, मैं दूंगा उसे सजा। लेकिन कैसे दोगे? दरवाजा तो बंद है। उसको सुबह 5 बजे फांसी देने का हुक्म है और उसे सुबह ठीक 5 बजे फांसी होगी। ठीक 5 बजे। बहुत जल्द सवेरा होने वाला। अगर हम तब तक बच गए तो हमें इस नरक से छुटकारा मिल जाएगा। काश अभी पुलिस आ जाए तो मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। इन भूतों के हाथों भयानक मौत से मरने को काफी पे लटक के मर जाओ। गोली की आवाज कहां से आई? चलो चलते देखते हैं।
माय गॉड, मेरी समझ में नहीं आता कि जिस आदमी को भी मैं तुलसीवाड़ी मुर्दाघर में नौकरी देता हूं वो या तो भाग जाता है या मिलता ही नहीं। फिर भी अगर तुम्हें ये नौकरी करनी है तो कर लो, 3000 रुपए पगार है। तो ठीक है, कल रात ठीक 8 बजे वहां पहुंच जाओ, ठीक 8 बजे। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।